हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केल के प्लांट के बारे में। केल को ओर्नामेंटल केबेज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं गोभी के पत्तों के तरह दिखते हैं, लेकिन ये इसको हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। कई जगहों पे इसका खाने में भी यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ये प्लांट ठंड में पाया जाता है क्योंकि ठंड में जो इसका कलर है वो अच्छी तरीके से खिलता है। जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी, जितना टेम्परेचर कम होगा, उस हिसाब से ये खिलता है। इसका जो बीच का पोर्शन वो उसका फ्लावर है और बाकी जो आपको साइड में दिख रहे हैं वो उसके पत्ते हैं। इसमें कई सारे शेड आते हैं, येलो आता है, वाइट आता है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो प्लांट आप ले सकते हैं। आप इस प्लांट को आसानी से नर्सरी से भी ला सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। मेरे पास अभी इसके 3 प्लांट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये अभी छोटू सा है पौधा, और ये देखिए इसमें पिंक शेड आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं। तो इसकी मिट्टी को आपको 3 पोर्शन बनाने होंगे। एक तो जो हमें गार्डन सोइल होती है वो, दूसरा रेत, और उसके साथ आप एक पोर्शन खाद का ले लीजिए। इन तीनों को मिक्स करके आप आसानी से इस प्लांट को लगा सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो केल के प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मंथ में एक बार इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसको पानी देने की। तो वाटरिंग करने से पहले आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप जब भी इसे पानी दें तब इसकी पत्तियों पर पानी नहीं गिरना चाहिए। हमें साइड से पानी देना है क्योंकि अगर आप पत्तियों पर पानी डालेंगे तो इसमें फंगल्स या इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आपका पूरा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो साइड में पानी डालिए। अगर रही बात कितने दिनों में हमें इसे पानी देना है, तो विंटर के टाइम पे क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद ही हमें इसको पानी देना है। इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और कम पानी भी नहीं देना है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो आप ऊपर की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद पानी दीजिए। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है फर्टिलाइज़र के बारे में, लेकिन हम बात कर लेते हैं। आप इसको पशु खाद या पत्तियों का खाद है वो दे दीजिए। इसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फॉस्फोरस आता है उसकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कभी भी हमें प्लांट पे कोई केमिकल का यूज़ नहीं करना है। आप पशु खाद या पत्तियों का खाद ही इस पर ट्राई कीजिए। जैसे कि हमने पहले बात की है इसकी पत्तियों के ख़राब होने की, अगर इसकी पत्तियों पे पानी लगता है तो विंटर में ज़्यादा फंगल्स लगते हैं, तो इसके जो पत्तियों है उस पर ऐसे डॉट हो जाएंगे ब्लैक रंग के। तो आपको इसको हटाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। वैसे तो केल के प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसको ओपन एरिया में रखिए जहाँ पे उसको ब्राइटनेस थोड़ी सी मिले। ये प्लांट आप नर्सरी से भी आसानी से ला सकते हैं और ऑनलाइन भी आपको ये प्लांट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी केल के प्लांट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।